इस प्रकार सतगुरु की सेवा गाखरे सिर दीजे आप गवाए, जब तक सही अवस्था देना अपना आप नहीं गवान करता और अपना आप नहीं गवाता वो सेवा नहीं मनी जाती। सो उस हुक्म है अकाल पुरख का परसों ते आ रहे हैं कि संतां नूं आगाह कर दिओ कि साढ़े निशान साहब ते आके अपनी अपनी बेनती रखन, सुख रखन ते असी काम कर देंगे, पर सही अवस्था दे नाल जे सेवा करनगे तद नहीं कोई लिहाज नहीं। पहले लिहाज भी होंदी सी, हुण लिहाज नहीं। अत हो गया, कोर कलजुग हो गया, किते मन दी अवस्था टिकती नहीं है। जब ऐसी अवस्था हो जाया करती है तो कोई ना कोई ऐसा कल्लूकारा होया करता है जिस दे नाल के संसार दे उते हानि बहुत होया करती है। आप जी देख भी रहे होंगे कि जिस वक्त चंद्रमे नूं परवार पै जांदा है वो सही अवस्था नहीं होंदी। ए चंद्रमे नूं परवार बहुत दिनों तो पै रहा है, ये केवल नाम दी आधारता दे नाल असीं बच सकते हाँ, सच्चाई ना बच सकते हाँ। अपने मन की अवस्था के साथ खोट कोई होया तो असं रह जावे, जितने खोट हैं उन्होंने कट के एक पासे कर दो ते सेवा करो तद कबूल होनी है। और आप जी नूं बहुत वड्डी खुशखबरी यह है कि इस साल अजीत दरबार की जी संगत आई है वो सतगुरु ने हुक्म करता है कि असी अचेष तौर पर इस संगत का असी भला करांगे। मैं आप जी नूं बहुत बधाई दिना इस समय से, इहो जिहा अचेष परे वचन बहुत घट हुए हैं, दो तीन दफा पहले हुए हैं और उन्होंने बड़ा रहम करम रहा है। सो इस साल पातशाह पता नहीं क्यों खुश हैं, अजीत दरबार तो बहुत खुश हैं, या अजीत दरबार की सेवा तो खुश हैं, या अजीत दरबार की सात संगत तो खुश हैं। उन्होंने मन की जी अवस्था है उन्होंने सच्चाई आ गई है और सफाई आ गई है, जिन्होंने नहीं आई वो लिया की कोशिश कर, ये उन्होंने खुले वचन है। असं हम सारे सहेले हाँ, असी सेवा करनी है, जिन्हें दिन इतने रहना है जान मार के सेवा करनी है, और किसी ईर्षा या द्वैत परी अवस्था न करेंगे तो असं गिर जावे, बहुत जल्दी गिर जावे। ये अवस्था मन च ना लिया, हाथ जोड़ के बेनती है सबनों, और किसी के नाल ईर्षा या धोखा या किसी को लुट मार या किसी का हक छीनने की कभी कोशिश न करना। जिन्होंने प्राय हक लाए हुए हैं उन्होंने वास्ते ये भी वचन हैं कि फल नहीं सकते। सो तुसी अपने जड़ा इस प्रकार लगाओ कि सच और सुच दे विच लग जाओ। अगला जड़ा समा आना है वह युग पलटना है, यह जड़ा युग पलटना है ये बादशाह साहब श्री गुरु बाबा जी बटपाल सिंह जी की ड्यूटी लगी हुई है। सो इन्हां हर प्रकार इस सच्चाई नूं अगे रखना है और अजिहे बीज बोझने बोने हैं जिन्हां दे नाल कि जड़ा अगला युग आना है सत युग का उसकी परंपरा बजनी है। यह पेड़ बच चुका है, अवस्था बन चुकी है, केवल एग्जीक्यूट होना है और यदि एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। सो आप जी सब मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बेनती है कि बड़े प्यार और सत्कार के नाल सच और सुच नूं बना लो, सेवा च आ जाओ और प्यार और कर्म की अवस्था विच आ जाओ। जड़े लोग भैड़े कर्म करते हैं आप देखोगे तो बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। इतने जड़ियाँ जेबा कटिया जा रही हैं वह भी बहुत जल्दी थोड़े सामने आ जाएंगे, वो लुक नहीं सकनगे, छुप नहीं सकनगे। सो ये आप जी वास्ते मैं विस्तार ना जो उन्होंने हुक्म हैं आप जी ने सुना देते हैं। मेरी वालों कोई हुक्म नहीं है, मेरी वालों कोई बेनती थानू नहीं है, ये सिर्फ अकाल पुरख के हुक्म हैं और उन्होंने फरमान हैं। इन्हों से तुम निभ जाओगे तो शुकराना है आप जी का, सहेले तो तुम हो ही जाओगे, वो तो उन्होंने अपने से उन्हें सिला ही लिया है कि असी जीत दरवाजी सारी संगत को इस दफा राजी करके भेजना है। अगले साल खुशियां ना हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।